एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल कार्य ऊर्जा और शक्ति के न्यूमेरिकल नंबर 5। मैं प्रत्येक न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9636437761। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डाल सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, स्प्रिंग नियतांक की गणना कीजिए। क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दिया है? स्प्रिंग को इतना खींचने में, अर्थात स्प्रिंग का विस्तार दे रखा है। एक्स दे रखा है 0.02 मीटर। इसमें किया गया कार्य दे रखा है, कार्य डब्ल्यू दे रखा है 0.4 जूल। ये दो चीजें दे रखी हैं, हमें स्प्रिंग नियतांक की गणना करनी है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? जब भी हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो हमें स्प्रिंग बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। स्प्रिंग बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वो स्प्रिंग में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं 1/2 kx2। तो किया गया कार्य जो है वो 1/2 kx2 के बराबर होगा, जहां k स्प्रिंग का बल नियतांक और x उसका विस्तार है। तो अब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सो w विल बी 1/2 kx2। क्या ज्ञात करना है? स्प्रिंग नियतांक। तो k ज्ञात करना है, तो हम हमारे तराजू के जो दोनों पलड़े हैं उनको एक्सचेंज कर लें, इधर वाली राशि इधर रख लें। समीकरण एक प्रकार का तराजू होता है जिसमें ये बराबर के निशान के दोनों ओर दो पलड़े हैं, तो हम इधर वाले पलड़े को इधर कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगी तराजू। सो 1/2 kx2 = w। 2 को उधर ले जाएं, kx2 इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा 2w, और हमें मान ज्ञात करना है k का। k यहां मल्टीप्लीकेशन में है, पक्षांतरण का नियम आप जानते हैं, k यहां गुणा में है, k के गुणा में यहां x स्क्वायर है, हमें k ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सो k विल बी x स्क्वायर इधर भाग में चला जाएगा 2w/x2। सो k विल बी 2 × अब रखें वैल्यू, w है 0.4, x का स्क्वायर, x है हमारे पास 0.02 और इसका स्क्वायर यानी 2 बार गुणा, और अब घातांक नियम की आवश्यकता। हम एक बार जो आपको अच्छा लगे जिस तरीके से घातांक नियम के अनुसार हम इस तरह से हल कर सकते हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे। 2×10^-2, दो अंकों के पीछे दशमलव, यानी दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100, और 100 यानी 10^2, और ऊपर आएगा तो 10^-2, 2×10^-2। सबसे आसान और बेसिक तरीका यही है। तो 4.4 को क्या लिख सकते हैं, 4×10^-1। सो ये हो जाएगा 2×10^-2, और ये भी 2×10^-2। नाउ अब अपने पास k बराबर आ जाएगा 4×2 = 8, 2×2 = 4, 10^-1, और नीचे 10^-2 एंड -2 - 4, k विल बी 4×8, 2×10^3। जब माइनस वाली घात ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, सो -1 और +4, और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, सो k विल बी 2×10^3 न्यूटन पर मीटर।
जैसे भी आपको अच्छा लगे इसको आप लिख सकते हैं, या 2000 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं, इसको जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो भी यूनिट हम काम में लेना चाहें। कार्य का मात्रक जूल और यहां से मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर ये भी हम लिख सकते हैं मात्रक इसका, और न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं।